यहाँ पे जो 1200 वर्कर आए थे काम करने के लिए, तो 12 साल यहीं पे रुक गए, कोई घर को नहीं गए पाए। तो यहाँ पे जो 1200 वर्कर रह गए, तो उनके घर में एक बीबी थे जो मेन हेड कारीगर आए थे काम करने के लिए, उनका नाम है विश्व महाराणा। विश्व महाराणा जब इधर काम करने के लिए आए थे, तो उनके गांव में एक बच्चे थे, उनके बीबी के गोद में पेट में एक बच्चा था। वो बच्चा उनका नाम है धर्मपद। जब इस मंदिर को बना रहे थे, उस मंदिर का फाउंडेशन लगाए, तो 12 साल होने के लिए 2 दिन बाकी था। तो बच्चे को 12 साल होने के लिए 2 दिन बाकी था। जब बच्चा 12 साल के होने के लिए 2 दिन बाकी था, माँ को पूछ रहा है हमको मेरा पिताजी कहाँ है। तो विश्व महाराणा जब इस मंदिर को फाउंडेशन लगाते थे, तो 12 साल होने के लिए 2 दिन बाकी था। इस मंदिर को बनाते बनाते जब मंदिर का कंप्लीट बना दिए, तो उसके टॉप के ऊपर जो गुम्बद था मेन टेम्पल के ऊपर, उसको नहीं लगा पा रहे थे मैग्नेट जो 53 टन का मैग्नेट था, उसको जब लगा रहे थे, कभी उस साइड कभी इस साइड कभी आगे होकर गिर जाएगा। जब धर्मपद आके 12 साल को होगा कि यहाँ पे द्वार के पास पहुँच जा रहा है, 12 साल का लड़का जब आके द्वार के पास में पहुँचता है, तो वो सब 1200 लोग का रोने का स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे ने उनके क्यों रो रहे हो, उनका 12 साल हो जाएंगे मंदिर कंप्लीट नहीं होगा तो राजा मार देगा। तो यहाँ पे उनका 12 साल होने के लिए 2 दिन बाकी था। 2 दिन के बाद रोने का उनका स्टार्ट हो चुका था। जब धर्मपद घर से आए, तो उनका माँ ने बोले तू पिताजी को देखने के लिए जा रहा है, तो पिताजी को तू नहीं देखा, पिताजी तुझे नहीं भी देखा, तो दोनों का पहचान होगा कैसे। तो उसका माँ ने बोला देख, तेरा पिताजी को पहचानने के लिए तो हमारा बगीचे में एक मूंगफली का पेड़ लगा हुआ, तेरा पिताजी लगा के गए थे, थोड़ा मूंगफली ले जाए, और थोड़ा कुत्ता जो एक छोटे कुत्ते को छोड़ के गए थे उसका नाम है बलिया, बलिया कुत्ते को ले जा और थोड़ा मूंगफली ले जा, तेरा पिताजी तुझे पहचान लेंगे। तो मूंगफली को तोड़ा, गामुछा में बांधा, तो कुत्ता बलिया को ले इधर आके पहुँच गए। 12 साल होने के लिए 1 दिन बाकी था, उनका रोने का ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। जब कुत्ता आके यहाँ पर भुगता है, तो उनका जो 1200 लोग रो रहे थे, सब उनका जो पिताजी सोचने लगे, जो धर्मपद मेन हेड कारीगर था, वो सोचने लगता है हमें इतना टेंशन में कौन कुत्ता लेके आया। तो देखा छोटे बच्चे ने कुत्ते लेके आया, उसको जाके पूछने लगे है तेरा इधर क्या काम है, तू तो कुत्ता लेके क्यों आए। ना मेरे पिताजी को ढूंढने के लिए आए, मेरा पिता का जो नाम है विश्व महाराणा, और मेरा माँ ने मुझे भेजा है मेरा पिताजी को पहचानने के लिए, थोड़ा मूँगफली दिए और कुत्ते बलिया को भेजा है। तो पिताजी उनको पहचान लेता है बेटे को, तो गले में लगा देते, आके इधर छोड़ के अंदर फिर रोने के स्टार्ट हो चुके, रोने का स्टार्ट हो चुका है। तो जब 1200 मधुर रो रहे थे, तो उनका पिताजी ने जब उनको पहचान के जब छोड़ के जाके रोने लगे, तो बेटे को ख्याल आया मुझे 12 साल के बाद मेरा पिताजी मुझे देख रहे हैं, उनका खुशी होना चाहिए, वो सब रो रहे हैं, क्या बात है। जाके पिताजी को पूछे, पिताजी मुझे एक बात बताए, इस मंदिर के अंदर आप सब क्यों रो रहे हैं, क्योंकि 12 साल हो जाएगा कल सुबह हम सब मर जाएंगे, न क्यों ना राजा को हमने शपथ दिए थे 1 दिन ज़्यादा नहीं होगा, 1 आदमी ज़्यादा नहीं होगा, 12 साल के अंदर इस मंदिर को कंप्लीट करके देंगे। तो 12 साल होने के लिए कल सुबह जब 12 साल हो जाएगा, मंदिर तो हमने बना दिए हैं, लेकिन उसका गुमज जो टप था उसको नहीं बिठा पा रहे हैं। जब उसको बिठाते हैं, कभी उस साइड कभी उस साइड कभी आगे होकर गिर जा रहा है। जब बेटे को वो आके चारों तो परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने के बाद मंदिर का टप को देख के पिताजी को जाकर पूछता है, पिताजी मुझे एक चांद देंगे, मैं इस मंदिर का गुमज को फिटिंग कर दूंगा। तो 12 साल जो 1200 लोग रो रहे थे, थोड़ा चुप हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं 1200 आदमी जो चीज़ हम नहीं बना पाए, ये 12 साल का लड़का बोलते मैं बना दूंगा। वो लड़का बोले चल दिखा कैसे बनाएगा। उसको लेके जब टप के ऊपर चढ़ा गए, तो हम एक घर बनाएंगे, तो किसको बुलाएंगे, एक हेड कारीगर को बुलाएंगे। वो हेड कारीगर आके क्या करता है, एक सोते में आयरन बांध के चारों तरफ लेवलिंग करता है। तो लड़का क्या किया, एक सोते में आयरन बांध के चारों तरफ लेवलिंग किया, क्यों इस साइड कि मैं उस साइड क्यों आगे होके गिर जा रहा। जब लेवलिंग हो गया तब बीट गया, तो अष्ट धातु श्रीराम जो नीचे में थे वो हवा में आ गया। तो पिताजी को बोला मंदिर कंप्लीट हो गया, तो नीचे आ गए। तो 1200 लोग उनको पिताजी को बोलने लगे, तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहोगे या हमारा 1200 मजदूर को बचाने के लगे चाहोगे। ना क्यों ना मुझे, उनका बाप ने बोले मेरा मुझे 1200 मजदूर चाहिए, मेरा लड़का नहीं चाहिए। यही बात बार बार उनके लोग उनको पिताजी को बोलने के बाद उनका धर्मपद लड़के ने सुन लेता है। ये जब सब खा पी के सो जाते हैं, तो लड़का सचने लगता है धर्मपद, मेरे लिए 1200 मजदूर मर जाएंगे, 12 साल हो गया कोई घर को नहीं गया, कोई बाल बच्चा को किसी ने नहीं देखा, मैं मर जाने से क्या होता है,
इसीलिए मंदिर के टॉप के गुमज के ऊपर चढ़ गया, जो 227 फीट का हाइट मंदिर गुमज 53 टन का मैग्नेट को लगाया था उसके ऊपर चढ़ के वहाँ पे सोच सोच के नीचे में छलांग लगा दिया। यहाँ पे काला फोमर पानी था, यहाँ पे लीन हो गया। वहाँ नदी थी क्या? यहाँ पे नदी समुद्र का मिल गया, वो अपनी चंद्रभागा नदी। तो यहाँ पे अभी चंद्रभागा नदी नहीं है, यहाँ 3 किलोमीटर पीछे में। ऐसे क्यों गई उधर? सूख गए, नदी सूख गई। ओके, यहाँ कोई चंद्रभागा नाम का सरोवर तालाब कुछ? तीनों किलोमीटर में ही यहाँ पे पूरी जाने के रास्ते में आएगा। अब अभी नदी कुछ है क्या? खाली थोड़ा बचा है क्या? नदी पूरी, नदी पूरा समुद्र है, नदी नहीं है, समुद्र। हाँ, और चंद्रभागा नाम का सरोवर कुछ करके यहाँ छोटा सा कुछ है, और वहाँ कुछ लोग आके स्नान करते हैं। हाँ, यहाँ पे तीर्थ धाम है चंद्रभागा। हाँ, हाँ, यहाँ पे जो हमारा दिसंबर टाइम माघ सप्तमी, माघ सप्तमी, माघ सप्तमी चंद्रभागा का बूट लगा जाता है। बहुत बहुत दूर से मुन्ने लोग चर्म रोग के लिए अच्छा होता है ऐसे कहा गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत सांबो को कोस्ट लोग हुआ, लेपर्सी हुआ, सांबो यानी कृष्ण का बच्चा, उसको वो इधर आए थे 12 साल तपस्या के थे। हाँ। इसीलिए उनका जब यहाँ पे उनको जितना भी भगवान के पास भी गए वो कुछ ने उनका इलाज नहीं बता पाए, तो नारद ने बोले आप जाके चंद्रभागा में 12 साल वहाँ पे जाके तपस्या कीजिए, आपका वहाँ पे नमक का पानी से नहाने से और नीम का पत्ता खाने से। नीम का पत्ता, यहाँ नीम के है चारों तरफ नीम का पेड़ है। ये सब क्या? ये पूरा प्रीति जो बोल रहा है वो कब लगाया वाला है? वो तब से है क्या? अभी तक पता नहीं सर। यहाँ पे जंगल और दूर में था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जंगल पास में आ गया चंद्रभागा 3 किलोमीटर पीछे में चला जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे सांबो आके 12 साल तपस्या करने के बाद नीम का पत्ता खाने से, यहाँ पे नमक का पानी से नहाने से यहाँ से उनका कोड रोग अच्छा हुआ था, इसीलिए इसका नाम सांबो दशमी को यहाँ पे माघ सप्तमी होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये पढ़ा था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।